choke you down just like a pill. Hey guys and welcome back to Avengers. तो अब तक कहानी में आपने देखा जब अवेंजर्स मून नाइट और खोंसु के अर्थ के ऊपर राज को रोकने जाते हैं। उस लड़ाई में मून नाइट फिनिक्स फोर्स का नया होस्ट बन जाता है, लेकिन खोंसु के हार जाने के बाद फिनिक्स फोर्स मून नाइट को छोड़कर चली गई, लेकिन वो प्लैनेट छोड़कर नहीं गई। अब फिनिक्स फोर्स ने अर्थ पे अपना घोंसला बना लिया है और वो अपने नए होस्ट की तलाश कर रही है। अब अवेंजर्स को फिनिक्स फोर्स का सामना करना होगा। प्रेजेंट का टाइम, कैप्टन अमेरिका सैवेज लैंड के अंदर एक पेड़ को घूसे बरसाए जा रहा है। वो सोचता है त'चाला आराम से ध्यान लगा रहा होगा जबकि थोर शराब पी रहा होगा, क्योंकि उसे हमेशा कहीं न कहीं से शराब मिल ही जाती है, और वो हंस भी रहा होगा जबकि टोनी वो अपने बैटल प्लान्स की तैयारी कर रहा होगा, जबकि मैं यहाँ अपनी हथेलियों को गर्म कर रहा हूँ और उस हर एक लड़ाई के बारे में सोच रहा हूँ जब मैं हार गया था। पिछले दिनों में शील्ड से पहले मैंने काफी सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। इससे पहले कि मैं अपनी पहली लड़ाई जीता, मुझे वही लड़ाइयाँ याद है, खासकर वैसे पल जैसा अब मेरे सामने है जब लड़ाई की शुरुआत होनी होती है। मैं उन सारी पिटाइयों के बारे में सोचता हूँ जो मुझे सहन करनी पड़ी थी, ताकि मैं अपने आप को ये याद दिला सकूँ कि इतने सब फैंसी चीजों के अंदर मैं सिर्फ एक इंसान ही हूँ। लेकिन मैं अब तक सिर्फ इसलिए जिंदा रहा क्योंकि मैंने अपने हर एक अपोनेंट को किसी न किसी तरीके से हरा दिया। लेकिन जिस टाइम पे मैं लापरवाह होकर यह सब भूल जाऊंगा, उस दिन कैप्टन अमेरिका का आखिरी दिन होगा। जैसे तभी उसके सामने फिनिक्स फोर्स से सना हुआ डॉक्टर डूम आता है। रॉजर्स, हा, ये लड़ाई तो मैं ही जीतूंगा, कैप्टन ने सोचा। मुझे ये लगता है कि हर टाइम ये याद रखना जरूरी है कि मैं कितना कमजोर इंसान हूँ और मुझे कभी अपनी पावर्स के ऊपर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। हालांकि डॉक्टर डूम इस बात को इग्नोर कर रहा है। गैस, ये है फिनिक्स फोर्स का बैटल ग्राउंड, जहाँ की फिनिक्स फोर्स के अगले होस्ट को डिसाइड करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। डॉक्टर डूम फिनिक्स फोर्स से कहते हैं, ये जो तुमने मुझे अपनी थोड़ी सी पावर दी है, इससे कुछ मजा नहीं आ रहा। मुझे अपनी पूरी पावर देकर देखो, ये टूर्नामेंट यही खत्म कर दूंगा। अर्थ के ऊपर तुम्हें मुझसे ज्यादा वर्दी मास्टर नहीं मिलेगा। क्या तुम सुन रही हो फिनिक्स? अपनी पूरी ताकत डूम को सौंप दो और तब मिलकर हम इस कॉस्मोस को जलाएंगे। लेकिन तब कैप्टन उसके ऊपर शील्ड से हमला करता है। अब उसके पास भी फिनिक्स फोर्स का कुछ हिस्सा आ चुका है। आज कोई नहीं जलने वाला विक्टर, सिवाय तुम्हारे, कैप्टन सोचता है। डूम सबसे खतरनाक विलन्स में से एक है। मुझे पता है कि अगर वो जीत गया तो क्या होगा, लेकिन इस टाइम पे मुझे उसकी भी चिंता हो रही है कि अगर मैं जीत गया तब क्या होगा। अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं कैप्टन की तरह हारूंगा। पिछले 50 सालों से मैं यही तो करता आ रहा हूँ, लेकिन अगर किसी तरीके से मैं जीत जाता हूँ तब मैं क्या बन जाऊंगा? मेरा मतलब कि मैं फिनिक्स के अलावा क्या बन जाऊंगा? कुछ टाइम पहले अवेंजर्स माउंटेन, गाइस इसके पास में ही है फिनिक्स फोर्स का घोंसला। वकांडन हेलीकैरियर्स ने इसे चारों तरफ से घेर रखा है। कैप्टन सोच रहे हैं, फिनिक्स फोर्स एक बहुत बड़ा स्पेस पैरासाइट है जो आग से बना है, एक बड़े गुस्सैल तारे की तरह जिसके पास पंख हैं, और एक गोट से भी ज्यादा तबाही की पावर्स। एक बार अगर ये किसी होस्ट के अंदर घुस जाती है तो पूरे के पूरे प्लैनेट्स जल जाते हैं, जब तक कि इसका होस्ट खुद पागल होकर नहीं मर जाता। पिछली बार जब ये अर्थ पे आई थी तब इसने एक वॉर शुरू कर दी थी अवेंजर्स और एक्स मैन के बीच में। हम सभी उस लड़ाई को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते थे, लेकिन चलो अब भी हमारे पास मौका है। गाइस, ब्लैक पैंथर पानी से एक पाइप निकालता है, फिर उस पाइप को अपनी बॉडी के थ्रू अवेंजर्स माउंटेन से कनेक्ट करता है। वो पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये वर्ल्ड हमारी प्रोटेक्शन में है। अंदर कैप्टन सोच रहा है, हम सभी इस बात के ऊपर मान गए थे कि हम यहाँ पे टेलीपैथ्स को नहीं लेकर आएंगे, इसमें उन्हीं की भलाई है। अब ये ब्लैक पैंथर का आइडिया था कि वो अपने आप को अवेंजर्स माउंटेन के अंदर सेलेस्टियल ब्रेन से जोड़े ताकि फिनिक्स फोर्स से बात कर सके, लेकिन उसके साथ बात करना इतना भी आसान नहीं है। माउंटेन के अंदर आयरन मैन चेक कर रहा है कि ब्लैक पैंथर की बात करने के बाद फिनिक्स फोर्स की एनर्जी रीडिंग्स में कोई बदलाव नहीं आया। कैप्टन अमेरिका थोर से कहते हैं, अपने बायफ्रोस्ट को तैयार रखो, हो सकता है कि हमें फिनिक्स फोर्स को यहाँ से जल्दी में टेलीपोर्ट करना पड़ जाए। थोर ने कहा, मैं इसे यूथोनियम के सबसे ठंडे इलाकों में भेज सकता हूँ, लेकिन गलत मत समझना, फिनिक्स फोर्स वापस आएगी जब तक कि इसे वो नहीं मिल जाता जो ये चाहती है, या फिर वो किसे चाहती है, अब ये तो भगवान ही बता सकता है। गाइस, ब्लैक पैंथर फिनिक्स फोर्स से पूछ ही रहा था कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, लेकिन तभी कोई पीछे से खींचकर उस पाइप का कनेक्शन काट देता है। मैं बताता हूँ तुम्हें वो यहाँ पे क्यों आई है, वो यहाँ मुझे अपना होस्ट बनाने आई है। गाइस, ये नमोर था,
और नमोर के साथ है उसके डिफेंडर्स ऑफ द डीप की टीम त्चाला। मैंने ही फिनिक्स फोर्स को यहाँ पे बुलाया था और उसने मुझे स्पेस के उस कोने से जवाब दिया है। एक बार वो और मैं फिर से मिल जाएंगे तब केवल समुद्र ही वो जगह बचेगी जहाँ पे आग नहीं लगी होगी। डिफेंडर्स ऑफ द डीप, अवेंजर्स को रोको। जबकि नमोर जाकर अपनी रानी से शादी करके आता है, लेकिन उसका रास्ता लोगन ने आकर रोका। सॉरी बाब, ये शादी नहीं हो सकती। गज लोगन नमोर के ऊपर अटैक कर देता है। प्रिज़न में कैप्टन डॉक्टर डूम से लड़ रहा है और सोच रहा है, हम यहाँ पे एक और वॉर शुरू होने नहीं दे सकते। हम पहले ही बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, लेकिन इस फिनिक्स को तो कुछ चिंता ही नहीं है। और ऐसा लगता है कि ये अकेली भी नहीं है। मुझे सब कुछ पसंद नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जीत रहा हूँ और डूम का चेहरा टूट रहा है। ये फीलिंग, ये पावर, ये सही नहीं है। मैंने अपने हाथों में कॉस्मिक क्यूब को पकड़ा है, यूज किया है, और शायद उसका इतना यूज किया था कि मुझे करना नहीं चाहिए था। मैंने इन्फिनिटी गॉन्टलेट को अपने हाथ में पहनकर सिर्फ अपना हाथ घुमाकर इस वर्ल्ड को बचाया है। लेकिन मैं एक गॉड नहीं हूँ, मैं बस वो इंसान हूँ जो कि अक्सर गॉड्स को बताया करता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। मैं एक सोल्जर हूँ, एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट और एक शराबी का बेटा हूँ। गैस वो ये सब सोच ही रहा था कि डॉक्टर डूम ने उल्टा उसके ऊपर हमला कर दिया। तुम्हारी आग जल्दी मेरी हो जाएगी रोजर्स, सारी की सारी आग मेरी हो जाएगी। फिनिक्स डूम की होकर रहेगी, लेकिन कैप्टन सोचता है ये चाहती है कि हम एक दूसरे को मार डालें और तब जो आखिरी जिंदा बचा रहेगा फिनिक्स उसकी होस्ट बनेगी। लेकिन हम फिनिक्स का ये खेल नहीं खेलने वाले। अब हम पास्ट में चलते हैं जहाँ डिफेंडर्स ऑफ डीप की टीम अवेंजर्स के साथ लड़ रही है। कैप्टन लोगन से बोलते हैं, पिछली बार जब फिनिक्स अर्थ पे आई थी तुम और मैं एक ही साइड पे थे, अब तुम किसकी साइड हो? लोगन ने कहा, तब के मुकाबले वर्ल्ड काफी बदल चुका है, लेकिन चिंता मत करो, एक्समैन किसी के साथ नहीं लड़ेंगे। कम से कम तुम अवेंजर्स के साथ तो नहीं, और अभी नहीं। कैप्टन कह रहा है, हम सब ने वो चीज इसकी होने से पहले ही महसूस कर ली थी, और ये ना सिर्फ उस आइलैंड के लोगों ने फील की थी जो कि फिनिक्स के पास थे, बल्कि पूरे वर्ल्ड ने इसे फील किया था। वो लोग जिसे फिनिक्स फोर्स बुला रही थी, उन्हें अपने सिर में एक जलन सी महसूस हुई जो कि उनका नाम चिल्ला रही थी। इसने मुझे स्टीवन बुलाया, वो आदमी जो कि सालों पहले बर्फ में मर चुका था। कैप्टन कहता है, द फिनिक्स, ये जाग रही है। तब उस ज्वालामुखी में एक विस्फोट होता है। फिनिक्स फोर्स की आग काफी लोगों तक फैल चुकी थी, लेकिन इसी आग के बीच कुछ लोग गायब भी हो गए, जिनमें थे लोगन, ब्लैक पैंथर, शी हल्क, नमोर, कैप्टन। और इससे पहले कि एवेंजर्स कुछ और सोच पाते, फिनिक्स फोर्स भी वहां से उड़ चलती है। प्रेजेंट में कैप्टन और डॉक्टर डूम के बीच वही लड़ाई चल रही है। कैप्टन सोच रहा है, और तब हमारी द फिनिक्स में एंट्री होती है। जहां तक हम बता सकते हैं, इस चीज से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और हम में से सिर्फ एक ही बाहर निकल पाएगा। मुझे पता है कि मरना कैसा फील होता है, ठंड में जमना कैसा फील होता है। डॉक्टर डूम एक डायनासोर का चेहरा उठाकर कैप्टन के ऊपर दे मारता है। इसके बाद उसने फिनिक्स फोर्स से कहा, मैं ये सब नौटंकी नहीं करना चाहता, आओ और मुझसे मिल जाओ। डूम को वेट कराना अच्छी बात नहीं है, लेकिन तब उसने देखा कि कैप्टन इतनी मार खाने के बावजूद भी खड़ा हो गया। मैं पूरे दिन तुमसे लड़ सकता हूँ। डॉक्टर डूम भी पूरी ताकत से अटैक करता है। बहुत हुआ, डूम को ये सब टाइम पास की लड़ाइयाँ लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये लड़ाई यही खत्म होती है। लेकिन कैप्टन इतने से भी नहीं मरता, वो उल्टा डॉक्टर डूम को जोरदार पंच करता है। ऐसा लग रहा था कि कैप्टन की पुरानी स्पिरिट थी। डॉक्टर डूम ने कहा, मैं समझ गया, तुम उसे मरने नहीं दोगी, एक पुराने अमेरिकन कहानियों वाले हीरो की तरह। कैप्टन इतनी सारी मार खाने के बावजूद भी फिर से खड़ा होता रहेगा, अपने आप को तुम्हारी पावर के लिए वर्दी साबित करने की कोशिश करता रहेगा। तुम एक होस्ट के अंदर जो कुछ भी खोज रही हो फिनिक्स, ये साफ है कि वो मेरे अंदर नहीं है। डॉक्टर डूम ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। इतना कहते ही फिनिक्स फोर्स डॉक्टर डूम को वहां से गायब कर देती है। इससे पहले कि कैप्टन अमेरिका कुछ समझ पाता, वो भी वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद वो सीधा अपीयर होता है बर्फ के अंदर, जहां पे अवेंजर्स उसे ढूंढ रहे थे। वो कैप्टन की हालत को देखकर बोलते हैं, ओह गॉड, डूम ने तो इसे लगभग मार ही दिया था। लोगन कहता है, तब तो हमें ये बात समझ आ ही गई होगी कि पहला राउंड कौन जीता। कैप्टन ने कहा, मैं जीता। लोगन कहता है, वेल, तब तो काफी सारे सवाल उठते हैं। लेकिन नमोर ने कहा, नहीं, सिर्फ एक सवाल उठता है, अगली किसकी बारी है। गाइस, तब हमें दिखाई देते हैं ढेर सारे अपोनेंट्स, जिनके अंदर है शाना, जेन फोस्टर द वल्करी, ल्यूक केज, हाइपेरियन, डक, सैंगची, ब्लैक नाइट, लोगन, शी हल्क, ब्लैक पैंथर, मैन थिंग, मून गर्ल एंड द डेविल डायनासोर। जबकि कैप्टन सोचता है, मैं इस जीत को फील कर पा रहा हूँ, जैसे कि मेरे घूसों से एक नाजी के दांत टूट रहे हैं। न्यूयॉर्क के अंदर बिना धुंध की एक सुबह है, हर कोई जीत की खुशियां मना रहा है, लेकिन ये जीत नहीं है। यहाँ पे कोई विजेता नहीं होंगे, सिर्फ फिनिक्स फोर्स और उसके शिकार होंगे। तो गाइस, उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा।
एम करते हैं 1400 लाइक्स के लिए। अगला एपिसोड आएगा अगले महीने।